अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसा यूनिट स्कॉलरशिप पे आपने उसमें कितना अप्लाई करना है। आइए चलते हैं उस वीडियो की तरफ। अगर आपसे मेरी हेल्प कर देगा, अगर मुझे ऐसी वीडियोस को चाहते हैं और वक्त मिलेगा कर दीजिएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रोज कर लेना है, यहाँ पे अपने जॉब अलर्ट डॉट पी कर लेना है। अब जैसे ही वो यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा जॉब अलर्ट डॉट पी, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ देखें तमाम तर शीट्स आपको फ्रेश मिल जाएंगे, जिसमें कि आपने एप्लीकेशन सेंड करनी है। यहाँ पे अपनी नोटिफिकेशन चेक करना है कि आज को डेट सही हुई, तो ये तमाम तो रेगुलर बेस पर डेट्स की वेबसाइट पर आपको मिल जाती है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का और जो 2023 आपने इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से इस तरह फेज हमारे पास ओपन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे एज 35 है और मैक्सिमम 45, मेल एंड फीमेल दोनों प्ले कर सकते हैं। और इसकी स्किल्स लेवल जो होनी चाहिए टीचिंग और मैनेजमेंट की होनी चाहिए। उसके बाद ये आ जाता है वेकेंट सिचुएशन टीचिंग फेलो एंड टीचिंग असिस्टेंट। आपने इसकी एप्लीकेशन किस तरह करनी है यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे इसकी एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, इसको यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे हमारी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। देखिए हमने नीचे स्क्रॉल कर देना है, ये देखें ये हमारी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गई। इसको हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से डाउनलोड होने के बाद हम यहाँ से ओपन कर लेंगे एडवर्टाइजमेंट। ये देखिए हमारे पास एडवर्टाइजमेंट ओपन है। तो इसमें तमाम तरह सीट्स और इसमें जो एप्लीकेशन दे सकते हैं वो जॉब डोमिसाइल्ड ऑल ओवर जॉब के एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट डेट जो एप्लीकेशन सबमिशन है वो 28 अगस्त 2023। इसमें जो टीचिंग डिपार्टमेंट है वो एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, उसके बाद ये मैथमेटिक्स है, उसके बाद जी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, रिसर्च है, उसके बाद एंड गैस इंजीनियरिंग है, उसके अलावा मेडिकल है। ये तमाम तरह ये डिपार्टमेंट है जहाँ पे टीचिंग की वैकेंसीज खाली है। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर किसी भी सीट्स पे आप एप्लीकेबल हो रही हैं तो एलिजिबल हो रही हैं, तो आपने क्या करना है जस्ट इसको पढ़ने के बाद आपने मेन वेबसाइट पे आ जाना है। यूईटी लाहौर लिखेंगे, जैसे यूईटी लाहौर सर्च करेंगे तो आप मेन यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। अगर इसको नहीं करना तो आपने लिखा होगा यूईटी जॉब पोर्टल, तो आपने यहाँ पे जॉब पोर्टल को ओपन करना है। जैसे आप यूईटी जॉब पोर्टल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने को मिल जाएगा। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे हमारे पास वेबसाइट ओपन आपको बताता हूँ आपने किस तरह डाउनलोड करना है। तो जिसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह आपके पास फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। तो ये देखें थर्ड वन पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रेड 1 स्केल से 15 स्केल तक। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आपने क्लियर पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक क्लियर करते हैं तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होने को लग जाती है। तो जैसे ये डाउनलोड होती है आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आपने मैनुअल ठीक है यहाँ पे आपने लगा देनी है। और इसको फिलअप करते वक्त आपने तमाम जो वर्ड इस्तेमाल करने हैं कैपिटल करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो तमाम आपके एडमिट सर्टिफिकेट्स हैं, रिवार्ड्स हैं, एक्स्ट्रा पी भी हैं, अदर डॉक्यूमेंट हैं अटैच कर देना, फोटोज भी अटैच कर देना और इसको आपने पोस्ट कर देना है। और जो जिस एप्लीकेबल होंगे उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और जो स्टूडेंट्स या जो एप्लीकेंट शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे कॉल फॉर इंटरव्यू किया जाएगा, इंटरव्यू होगा और जो इंटरव्यू पास होंगे सिलेक्ट होंगे। मीन के ये जो जॉब्स हैं सिर्फ इंटरव्यू बेस पे होंगे। ये है कंप्लीट इसमें एप्लीकेशन भेजने का तरीका।